आप लोग कितने बार दुकान जाते हो, मेडिकल स्टोर जाते हो, कभी आपने आपको ये पता है कि आप जो दवाई लेते हो वो असल में आपके शरीर पर क्या असर दिखाती है? कभी आपने डॉक्टर की पर्ची पर आप ऐसे ही कैसे विश्वास कर सकते हो? एक फार्मासिस्ट वो होता है जो आपकी हर बातों को, हर दवाइयों का असर अपने शरीर पर कितना बजे करके बताए। तो आइए देखते हैं एक सीन वन में कि एक आदमी भागा दौड़ रहा है एक फार्मेसी स्टोर के लिए और उसे बाद में पता चलता है कि वो बंद है और क्या जानकारी हासिल करता है, देखते हैं। आई सीन वन मेरे फोटो हो रहा है, बंद करा तुमसे दुकान, बंद करा तुमसे, अगर सर्टिफाइड फार्मासिस्ट नहीं है दुकान तुम्हें बंद करा। मेरी तरह किसी को भी दवाई की जरूरत पड़ सकती है, खोलो दुकान अभी। झूम झाला नहीं का होत नहीं है यार, कमर पे हाथ देके। अरे झूम हो गए पर ये बीच में बंद होने वाली है, बीच में क्या काम, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के तो दवाइयां देनी है। देख इसे सारी दवाई के बारे में मालूम होता है, उस दवाई का अपने शरीर पर कैसा असर होता है ये उसे मालूम होता है। अगर किसी को उस दवाई के बारे में मालूम और आपने गलत डोज दी तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत गलत हो सकता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी जान से अंधविश्वास के भरोसे रख देंगे? बात तो तुमने सही कही, तो आज से मैं ही नहीं आप सब भी उसी फार्मेसी स्टोर से दवाइयाँ खरीदेंगे जहाँ पर एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट हो, ताकि मेरी और आपकी दोनों की जान सुरक्षित हो। वाकई में इस फार्मासिस्ट होना एक मेडिकल शॉप में बहुत ही अहम बात है। वही देखिए सीन टू में दो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम खत्म होने के बाद आगे के फ्यूचर के बारे में क्या डिसाइड करते हैं, फार्मेसी एक बेटर करियर ऑप्शन है या नहीं। एग्जाम खत्म, एग्जाम सब खत्म और आगे क्या करने का प्लान है? आगे का क्या, अच्छे मार्क्स मिले तो मेडिकल स्कूल में एडमिशन। अधिक ज्यादा है और आइए, ठीक है, थैंक यू।